हरियाणा के कैथल जिले में करनाल रोड पर स्थित स्टेट बैंक के अंदर गोली चलने से सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई। गोली लगने का कारण अभी हादसा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच शुरू कर दी गई है, जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि गोली सुरक्षा कर्मी की अपनी सर्विस रिवॉल्वर से चली थी जो उसकी ठोड़ी पर लगी। गोली लगते ही सुरक्षा कर्मी जमीन पर गिर गया और मौके पर उसने दम तोड़ दिया। जिस वक्त गोली चली, सुरक्षा कर्मी ही ड्यूटी पर आया था, बैंक स्टाफ अभी नहीं पहुंचा था। जैसे ही उसे गोली लगी, लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। प्राथमिक जांच में मृतक की पहचान कैथल के गांव कोटड़ा निवासी एक्स सर्विसमैन 54 वर्षीय बलिंदर सिंह के रूप में हुई है। वह पिछले कई महीनों में बैंक में सुरक्षा कर्मी के रूप में तैनात था। वह नेहरू गार्डन कॉलोनी में रहता था। वहीं खबर मिलते ही बलिंदर का बेटा मौके पर पहुंचा। उसने बताया कि घर में किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं हुआ था, बाहर भी किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी, ना ही उन्हें किसी तरह का मानसिक तनाव था। ऐसे में पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला हादसा लग रहा है। बताते चले कि कैथल में भारतीय स्टेट बैंक के अंदर गोली चलने की आवाज से सनसनी मच गई। इसमें सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई। हादसा करनाल रोड पर लघु सचिवालय के पास भारतीय स्टेट बैंक की ब्रांच में हुआ। पुलिस मौके पर पहुंच गई। गांव कोटड़ा निवासी एक्स सर्विसमैन बलिंदर पुत्र मांगेराम कई महीने से बैंक में बतौर सुरक्षा गार्ड नौकरी करता था। रोजाना की तरह वह सुबह बैंक पहुंचा, लेकिन जब तक बैंक के अन्य कर्मचारी अधिकारी पहुंचते, उसकी गोली लगने से मौत हो गई। बलिंदर अपने पीछे पत्नी, दो लड़के, एक लड़की को छोड़ गया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।